हेलो फ्रेंड, दिस इज जकी फ्रॉम जकी फार जू। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन टू डिवाइसेस, शाओमी रेडमी 90 एंड वीवो Y51s। दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन करेंगे, कैमरा टेस्ट डिटेल से करेंगे और दोस्तों स्पीड टेस्ट भी करेंगे। देखें कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, कौन सा स्मार्टफोन हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कंपैरिजन में। दोस्तों सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। शाओमी रेडमी 90 की बात करें दोस्तों, जो बॉडी है दोस्तों प्लास्टिक की बनाई गई है, जो कि पॉली कार्बोनेट है और वो शाइन देते हैं स्मार्टफोन पर। और यहाँ पर रेडमी की ब्रांडिंग की गई है और सनराइज शाइन आपको यहाँ पर देखने की मिल जाएगी। Y51s की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बॉडी पर आप शाइन देते हैं। इसकी बॉडी भी प्लास्टिक से बनाई गई है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है जैसे ये ग्लास से बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं कैमराज को देख लेते हैं। शाओमी रेडमी 90 के कैमराज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो मॉड्यूल है काफ़ी अच्छा बनाया गया। क्वाड कैमरा सेटअप है, 48 MP का मेन है, प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, प्लस 2 MP का माइक्रो एंड प्लस 2 MP का डब सेंसर हमारे पास में है। और फिंगर सेंसर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगर सेंसर हमें यहाँ पर दिया गया है शाओमी रेडमी 90 पर। आगे बढ़ते हैं Y51s को देख लेते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कैमरा मॉड्यूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ट्रिपल्स कैमरा है, 48 MP का मेन है, प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड प्लस 2 MP का डब सेंसर हमारे पास में है। और फिंगर सेंसर साइड माउंटेड स्मार्टफोन में दोस्तों डिस्प्ले पर आए थे, IPS डिस्प्ले है, लेकिन 400 nits ब्राइटनेस मिलेगी शाओमी रेडमी 90 पर। साइज़ की बात करें 6.5 इंच है रेडमी 90, 6.6 इंच है Y51s। रेजोल्यूशन है दोस्तों 1080 pixels दोनों स्मार्टफोन की। PPI डेंसिटी भी सेम है, 395 PPI डेंसिटी है। प्रोडक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिलेगी रेडमी 90 पर, जबकि Y51s पर हमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि इस पर कोई प्रोडक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास वगैरह दिया गया है या नहीं। प्रोसेसर की बात करते हैं, 2.0 GHz ऑक्टोकोर प्रोसेसर है दोनों स्मार्टफोन का। चिपसेट की बात करते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 की चिपसेट है रेडमी 90, और जबकि Y51s एक्सोनस 880 की चिपसेट यहाँ पर दी गई है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं, एंड्रॉइड 10.0 OS है रेडमी 90, जो कि बेस है MIUI 12 पर। एंड्रॉइड 10.0 OS है Y51s। बैटरी की बात करते हैं, 6000 mAh की बैटरी है शाओमी रेडमी 90, जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है और 2.5 वाट की रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। 4500 mAh की बैटरी है वीवो Y51s, और आपके फास्ट चार्जिंग है दोस्तों 18 वाट की फास्ट चार्जिंग हमें यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कंफर्म नहीं है वीवो Y51s रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है। आगे बढ़ते दोस्तों कैमरा टेस्ट कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन का। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कैमरा रिजल्ट, Y51s का जो कलर है थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि शाओमी रेडमी 90 कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Y51s एंड रेडमी 90 तकरीबन हमारे पास सेम पिक्चर का रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं स्लोमो, आप देखते हैं Y51s का स्लोमो ज़्यादा ज़बरदस्त है, जबकि रेडमी 90 दोस्तों हमारे पास शुरू में फास्ट है, बाद में दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा आहिस्ता हो रहा है, लेकिन Y51 का स्लोमो ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर देखते हैं सेल्फी कैमरा दोस्तों, Y51s का जो कलर्स हैं दोस्तों ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ख्याल में, रेडमी 90 थोड़े से कम लगे मुझे, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कैमराज की क्वालिटी पे, ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है। तो यहाँ पर कैमरा दोस्तों तकरीबन बराबर ही है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं। हम सेम गेम के ऊपर, सेम ऐप के ऊपर टैप करेंगे और देखेंगे वो गेम और ऐप किस स्मार्टफोन पर सबसे पहले प्ले होता है। लेकिन सबसे पहले हम स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन स्मार्टफोन हमारे पास सबसे पहले रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लिक करते हैं रीस्टार्ट पर और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन हमारे पास सबसे पहले पावर ऑन होगा। और दोस्तों देखा शाओमी रेडमी 90 हमारे पास कंप्लीटली तौर पर पावर ऑन हो चुका है, जबकि वीवो Y51s थोड़ा सा देर से हमारे पास पावर ऑन हुआ है, और अभी भी दोस्तों अभी हमारे पास मुकम्मल पावर ऑन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेम गेम के ऊपर, सेम ऐप के ऊपर टैप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दोस्तों यहाँ पर गेम मौजूद है, इस पर टैप करते हैं।